इस गोदी का अगर इतना ही शौक था तो मेरी कोख से जन्म लेकर के आता। ध्रुव के चोट लगी हो तो रोते 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 ध्रुव अपनी माँ के पास पहुंचे। सुनीति ने सीने से लगा लिया, लाला तुम्हें किसने मारा है? ध्रुव कहने लगे, मैया एक बात बताओ, मेरे पिता का नाम क्या है? जवाब दिया, क्यों माँ, उत्तम रोज रोज अपने बाप की गोद में खेलता है और मुझे भी अपने पिता की बहुत याद आती है। मैया कहने लगी, लाला जब तुम बड़े हो जाओ तो वन में जाकर के तपस्या करना तो तुम्हारे बाप के दर्शन हो जाएंगे। ध्रुव चलने लगे तो माँ सुनीति रोने लगे, लाला अभी न जाओ, अभी तुम बहुत छोटे हो। और एक बात बोली है, अरे लला पे रागी हुई गए ओ बारी बहुत छोटी सी उम्र है ध्रुव की, बड़े सुंदर हैं। लला के कोमल कोमल आके कोमल कोमल लला के कोमल कोमल आके कोमल कोमल लला को हलको को सोएगा तो हलको सोएगा को हलको सोएगा तो अरे लल्ला ओए छोड़ चले छोड़ चले पारी चले हैं भक्तों। ध्रुव चलते जा रहे हैं, माँ रोती रह गई बिलकती रह गई। सुनीति ने बहुत समझाया, लाला जब बड़े हो जाओ तो वन में जाकर के तपस्या करना। ध्रुव नहीं माने, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पांव, घुंघराले बाल हैं, चलते जा रहे हैं। जब वन में पहुंचे तो नारद जी मिले, कहने लगे कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया, परम पिता परमात्मा से मिलने। बोले तुमने कोई गुरु कर लिया है? कहने लगे गुरु नहीं किया। तो बिना गुरु के तुम्हें भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि गुरु बिन भव निद तरह न कोई और चय विरंच संसर्षम होई। बिना गुरु के तुम्हें भगवान का दर्शन नहीं होगा। और पागल हो गए, बड़े बड़े चीते भालू से रहते हैं, कोई आएगा तुम्हें खा जाएगा। ध्रुव कहने लगे मैं डरने वाला नहीं। नारद जी के पैरों को छुआ, गुरु मंत्र लिया और आगे बढ़े।
जाकर के इतनी घोर तपस्या की कि इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र ने अपनी अप्सराओं को भेजा, कहा जाओ जाकर के उसकी तपस्या में विघ्न डाल दो। कोई माँ बनकर के रो रही है, कोई सखी बनकर के नाच रही है, लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। और उसके बाद परमपिता परमात्मा ने ध्रुव को गोद में लिया, कहा लाला आज से तुम मेरे पुत्र और मैं तुम्हारा पिता हूँ। 5 वर्ष की अवस्था में भक्त ध्रुव ने भगवान का दर्शन कर लिया था। बोले गोविंद भगवान की। जब ध्रुव लौट करके आए तो सुरजी को मालूम पड़ा कि जिस बेटा को मैंने धक्का दे करके भगा दिया था उसने भगवान का दर्शन कर लिया है। तो मैया ने किवाड़ बंद कर लिए। तो ध्रुव सबसे पहले सुरजी के पास गए और दरवाजे पर खड़े होकर के बुला रहे, मौसी आवाज दो और बाहर निकलो। बुला रहे आरे मात दरवाजो खोलो ओ आइयो तेरो सो तेलो लाल मात दरवाजो री खोलो दरवाजो री खोलो आएगा तेरो सो तेलो लाल धरो बुला रे मैया। अरे मात दरवाजो री खोलो दरवाजो आइयो तेरो सो तेलो लाल मात दरवाजो री खोलो दरवाजो री खोलो आए मात तेरो सो तेलो लाल बुला रहे हैं ध्रुव भक्तों। सुरजी निकल करके आई, ध्रुव को गोद में उठाया, ध्रुव ने पैर छुए, माँ अगर तू हमें धक्का ना लगाती तो शायद हमें भगवान का दर्शन नहीं होता। किसी का बुरा करने से किसी का भला हो जाए तो उस बुराई को बुरा ना समझे। आज उसके बाद माँ सुनीति को पास बुलाया। भक्त भक्त ध्रुव ने उत्तानपाद के राज्य को संभाला। इस तरीके से 5 वर्ष की अवस्था में भक्त ध्रुव ने भगवान का दर्शन किया था। बोलिए गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की। सभी माता बहन भाई बंदे को भजन बोले बड़े भाव से।